पंचायत समिति तलवाड़ा की ओर से समस्त देशवासी वागड़वासियों को होली एवं धुलड्डी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना टीकाकरण में अधिक से अधिक भाग लेवे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, सैनिटाइज का अधिक से अधिक उपयोग करें, मुंह पर मास्क लगाएं, घर से बाहर ना निकलें, हाथ ना मिलाएं, सिर्फ नमस्ते करें। निवेदक कार्यालय पंचायत समिति तलवाड़ा, प्रधान निर्मला मकवाना, उप प्रधान एवं समस्त पंचायत सदस्य, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। 8 जुआरियों से 24,880 रुपए जब्त कर 13 आरपीएजियों के तहत कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इन दिनों बांसवाड़ा शहर में हर गली मोहल्ले में जुआ सट्टा धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए बांसवाड़ा पुलिस कप्तान कावेंद्र सिंह सागर ने विशेष टीम का गठन किया और वहीं इस अवैध कारोबार पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। वहीं लगातार कप्तान इस अवैध जुए सट्टे के कारोबार पर शनि की तरह कुंडली मारकर इससे जुड़े सभी माफियाओं के अवैध धंधों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी के चलते बीती मध्य रात्रि 1:30 पर मुखबिर से मिली सूचना की कि मदार कॉलोनी और जामफलवाड़ी में कुछ जुआरी रात्रि में बड़े पैमाने पर जुआ सट्टा खेल रहे हैं। सूचना पर कोतवाल मोतीराम सारण और डीएसटी टीम के इंचार्ज सुरेश बिजाणिया ने टीम गठित कर धावा बोला। बांसवाड़ा शहर में काफी टाइम से जुआ चलने की शिकायत आ रही थी। जुआ की कार्रवाई तो हमेशा करते ही हैं। कल रात को लेट नाइट की कार्रवाई, उसमें 23,000 कुछ रुपये मिले। 8 जुआरी को गिरफ्तार किया गया और जुआ की कार्रवाई आज भी हमने जुआ के 5 मुकदमे किए हैं और जुआ की कार्रवाई जारी है और भविष्य में जारी रहेगी। मौके पर 8 जुआरियों के पास से 24,880 रुपए जब्त किए, वहीं 28 ताश की गड्ढिया भी जब्त की। वहीं पूरी कार्रवाई पुलिस कप्तान के निर्देशन पर जारी रही। वहीं पुलिस ने धारा 13 आरपीएजीओ के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया।